नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे टूल बार आइटम्स की। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट पेज है वो भी डिफाइन कर दिया है, टूल बार डेमो। और टूल बार जो है वो एक्चुअली में आप लोगों को कहाँ पर मिलती है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए टूल बार डॉट जेमल, और यहाँ पर हम लोग जो है स्टैक लेआउट हम लोगों ने रखा है, एक डिफॉल्ट टेबल आप लोगों को मिलता है। सबसे पहले आप लोग टूल बार कैसे क्रिएट करें, सो कंटेंट पेज डॉट टूल बार आइटम्स यहाँ पर देखिए, और इसमें आप लोगों के पास आता है टूल बार आइटम। सबसे पहले टूल बार आइटम जो फर्स्ट है वो क्या आता है, टूल बार आइटम टेक्स्ट, और उसको हम लोग लिख देते हैं आइटम वन। ये फर्स्ट आइटम हो गया। एंड इसकी कुछ पहले हम लोग ये बना लेते हैं टूल बार आइटम्स, उसके बाद में हम लोग जो है इसकी अदर प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर टूल बार आइटम वन, टूल बार आइटम टू, टूल बार आइटम थ्री एंड फोर। यहाँ पर देखिए टूल बार आइटम टू, टूल बार आइटम थ्री, टूल बार आइटम फोर। ये चार आइटम हमारे पास हैं, और ये किस प्रकार ऑर्गेनाइज होते हैं ये आप लोग देखिए। तो अभी आप लोगों के सामने ये वैल्यू आ रही है जिसमें आप लोगों के पास कोई भी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट जो है आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो पेज है उसमें नेविगेशन बार नहीं है, ठीक है। और नेविगेशन बार कब मिलती है, आप लोग ऐप डॉट जेमल फाइल के अंदर आइए, और यहाँ पर जो ये पेज है न्यू, इसको आप लोग नेविगेशन पेज के अंदर डालिए, नेविगेशन स्टैक बनाइए, नेविगेशन पेज। और नेविगेशन पेज के अंदर आप लोग जो है ये चीज आप लोग डाल सकते हैं, जैसे कि न्यू आप लोगों ने डाला टूल बार टूल बार डेमो एंड दिस। आप लोगों ने जैसे ही ये डाल दिया तो ये आप लोगों का नेविगेशन जो है वो बन जाएगा, नेविगेशन स्टैक हो जाएगा, और ये आप लोगों का जो विंडो है वो इसमें एक नेविगेशन बार जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने नेविगेशन बार जो है वो इंसर्ट की, नेविगेशन स्टैक मैंने बनाया, वहां पर देखिए आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री एंड आइटम फोर। अगर आप लोगों ने जो भी आइटम वन यहाँ पर डाला है टूल बार आइटम के अंदर, आप लोगों ने जो आइटम वन डाला है वो आप लोगों के राइट साइड से असाइन होकर जो है वो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आ गया है, इस साइड से देखिए आइटम वन। लेकिन अगर हम लोग इसका ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ऑर्डर इक्वल्स टू थ्री, ये फोर आइटम्स हैं, ठीक है, तो मैंने ऑर्डर लिखा फोर, ठीक है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अभी आप लोग देखिए, सॉरी यहाँ पर ऑर्डर में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर वन, इसमें लिख देता हूं, सॉरी ऑर्डर आप लोगों का यहां पर है, सॉरी यहां पर ऑर्डर नहीं, आप लोगों को प्रायोरिटी जो है वो देखने पड़ेगी। सबसे पहले प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो है आप लोग, जैसे कि मैंने इसको वन असाइन कर दी, ठीक है, तो नंबर फोर आइटम अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर नंबर फोर आइटम जो है उसकी प्रायोरिटी कितनी है वो आप लोग देखेंगे। प्रायोरिटी जो है, तो अभी आप लोग देखिए कि इसकी जो प्रायोरिटी है नंबर, यहाँ पर जो प्रायोरिटी हम लोगों ने सेट कर रखी है वन, इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये नंबर फोर आइटम आप लोगों के सामने विजिबल हो रहा है, इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर हम लोगों ने प्रायोरिटी जो जो इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट होती है, तो अगर मैंने इसका प्रायोरिटी जीरो से स्टार्ट कर दी, जस्ट रिवर्सिंग ऑर्डर में मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, देखिए तो यहाँ जहाँ आइटम वन आप लोगों को दिखाई दे रहा था वहां पर आइटम फोर आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये प्रायोरिटी जो है वो सभी पर आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये प्रायोरिटी जीरो जो है वो बाय डिफॉल्ट सभी की सेट होती है, ठीक है। तो मैं इसकी प्रायोरिटी सेट करता हूं वन, इसकी मैं प्रायोरिटी सेट कर देता हूं टू, और इसकी मैं प्रायोरिटी सेट कर देता हूं थ्री। तो जो सबसे पहले जो आइटम आप लोगों को दिखाई देगा वो आइटम जो फोर है वो सबसे पहले आप लोगों को दिखाई देगा लेफ्ट साइड से। अभी आप लोग देखिए नंबर फोर आइटम जो है सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसके बाद में थ्री, उसके बाद में टू एंड उसके बाद में वन। तो सभी की प्रायोरिटी सेट है, इन बिटवीन मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी तो मैं वन कर देता हूँ और इसकी मैं टू कर देता हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहला जो आइटम है वो कौन सा दिखाई देगा, नंबर फोर, उसके बाद में नंबर टू, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से देखिए नंबर फोर एंड नंबर टू, तो ये है प्रायोरिटी। अब बात आती है ऑर्डर की, इसमें हम लोग आइकॉन भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जैसे कि टूल बार आइटम्स है, इसमें हम लोगों को आइटम की जगह आइकॉन डिस्प्ले करना है, तो टूल बार आइटम टेक्स्ट नहीं दिखाना हम लोगों को, हम लोगों को आइकन इमेज सोर्स दिखानी है, आइकन इमेज सोर्स। और हमारे पास आइकन इमेज सोर्स में बहुत सारी इमेजेस हैं आप लोगों को पता है, तो रिसोर्सेस पे चलते हैं।
इमेजेस पर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर कोई एसवीजी फाइल है, डॉट नेट बोट वाली एसवीजी फाइल है, तो हम लोग यही यूज करेंगे, डॉट नेट हमारे पास है ही यही, अंडरस्कोर बोट और डॉट एसवीजी, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये करता हूँ तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक इमेज भी डिस्प्ले हो जाती है। ये देखिए इन दोनों आइटम्स के बीच में हमारे पास एक जो इमेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, आइटम 4, उसके बाद में इमेज है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में आइटम 1 है। फाइनली हम लोग यहाँ पर इनके प्रायोरिटी, क्योंकि 0 हो गई ना उसकी प्रायोरिटी, आप लोगों के पास समझ में आ गया आप लोगों को। एंड फाइनली मैं ये प्रायोरिटी हटा देता हूँ तो आप लोगों को जो आइटम्स हैं वो ऑर्डर वाइज आप लोगों को विजुअलाइज होंगे। तो ये जो ये आइटम ही आप लोगों को सबसे लास्ट में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास हमारे पास आ गया सारे के सारे आइटम्स जो है वो आइकन्स बदल गए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने तो सभी पे किया ही नहीं, तो ये कैसे हो गया? ओके, एक बार के लिए हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये टूल बार आइटम और इसमें आइकन इमेज सोर्स एंड दिस, एक बार के लिए रिफ्रेश करते हैं। तो फाइनली आप लोगों का जो आउटपुट है वो ये आ गया है रिफ्रेश होने के बाद में। तो आप लोगों के पास ये आइकॉन जो है वो लास्ट में आप लोगों के पास जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। हम लोगों को यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग देखें तो 3 डॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो होता है उनका ऑर्डर। तो अगर मैं इसको ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो प्राइमरी सेट होता है, तो हम लोग इनको ऑर्डर जो है वो सेकेंडरी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये 3 डॉट्स के अंदर आ जाएं सारे के सारे, ठीक है। तो ऑर्डर इक्वल्स टू सेकेंडरी, एंड इसका भी ऑर्डर हम लोग क्या कर देते हैं सेकेंडरी, और इसका भी ऑर्डर हम लोग क्या कर देते हैं सेकेंडरी, लेकिन इसका ऑर्डर हम लोग कर देते हैं प्राइमरी, ठीक है। सॉरी, बाय डिफॉल्ट भी वैसे प्राइमरी होता है, सेट नहीं करोगे तो प्राइमरी रहेगा। अब ये दोनों जो है आइटम 4 एंड आइटम, ये तो नेविगेशन में दिखेंगे, लेकिन ये जो 1, 2 एंड 3 ये वाले आइटम्स हैं ये आप लोग को 3 डॉट्स में दिखाई देंगे। तो अगर आप लोग देखना चाहें, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और 4 की जगह आप लोगों के पास ये जो आइकॉन चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने चेंज किया, उसका जो रिफ्लेक्ट बैक जो आउटपुट है वो इसमें अभी नहीं आया है, ठीक है। तो उसके बाद में दोबारा से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका तो ये बग ही कह सकते हैं आप लोगों को, कि एक्चुअल में जो हॉट रिलोड है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसको दोबारा से हम लोग रिस्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोगों के पास जो नेविगेशन बार है उसमें देखिए आइटम 4 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी मेन्यू में है, और ये जो है वो भी दिखाई दे रहा है आइकॉन, और यहाँ पर आप लोगों के पास सेकेंडरी आइटम बन चुका है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ऑफ आप लोगों के पास ओपन होगी, आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। नेक्स्ट है कि हम लोग इस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि आइटम 1 पे हम लोग कोई, या इस पे भी हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्लिक इवेंट जो है हम लोग इस पर कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि न्यू इवेंट हैंडलर हम लोगों ने अप्लाई किया, फेल टू क्रिएट इवेंट हैंडलर, क्यों? क्योंकि हमारी डिबगिंग जो है वो फिलहाल ऑन है। सो फाइनली हम लोग क्लिक इवेंट हैंडलिंग कॉल करेंगे उस पर, और यहाँ पर देखिए ये आ रहा है टूल बार आइटम क्लिक, तो इसी पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसे जनरेट नहीं हुआ था, लेकिन ये हम लोगों को डायरेक्टली उस कोड तक नहीं लेके गया। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आके है कि टूल बार आइटम जो है वो क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के पास समझ में आ गई आप लोगों को, कि अगर आप लोगों को यहाँ पर देखिए इवेंट आर्ग्यूमेंट ई डॉट, यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं इवेंट आर्ग्यूमेंट के अंदर, और डिस्प्ले अलर्ट अगर हम लोग करना चाहते हैं तो सेंडर क्या है एक्चुअली में, टूल बार आइटम है, और उसका हम लोगों को क्या चाहिए है, टेक्स्ट चाहिए है, ठीक है। जो हम लोगों ने क्लिक किया है वो एक टूल बार आइटम है। यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि जब मैं क्लिक इवेंट हैंडलिंग कॉल करूँगा तो यहाँ पर न्यू इवेंट हैंडलर बनेगा, और न्यू इवेंट हैंडलर भी जो है इस पर क्लिक करूँगा तो ये बनेगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये बनेगा। तो दोनों में सेम डिफरेंस है, ऐसा कोई नहीं है कि हम लोगों ने कौन सा क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेंडर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सेंडर एज टूल बार आइटम, ये देखिए ये एक टूल बार आइटम है आप लोगों को पता है।
तो इसमें हम लोग टूल बार आइटम पे ये वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, टूल बार आइटम, ठीक है। या वेरिएबल टाइप में भी आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए देखें माइक्रोसॉफ्ट मावी डॉट कंट्रोल्स आप लोगों को यूज़ करना होता है। सो फाइनली आप लोगों ने ये, चलिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो सेंटर है वो एक टूल बार आइटम है आप लोगों के पास। तो आप इसमें आइटम्स में आप लोग क्या निकाल सकते हैं, आइटम डॉट टेक्स्ट निकाल सकते हैं इसका। तो इस पर अगर हम लोग डिस्प्ले अलर्ट करते हैं इसको, डिस्प्ले अलर्ट, और यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं टूल बार आइटम वैल्यू, एंड फाइनली हम लोग ये दिखा देते हैं आइटम डॉट टेक्स्ट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक मैसेज जनरेट कर देते हैं, ओके। तो फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है, और अब आप लोगों को आउटपुट दिखा देते हैं। तो अभी आप लोगों का जैसे कि मैंने टूल बार आइटम वन यानी कि कौन से पे लिखा है वो देख लेते हैं एक बार के लिए। ओके, मैंने फोर वाला जो है टूल बार आइटम वन क्लिक है, इस पर मैंने जो है उसके टेक्स्ट को गेट करने की कोशिश की है। सो फाइनली हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे टूल बार आइटम फोर पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के पास ये आ जाता है टूल बार आइटम वैल्यू एंड आइटम फोर इज़ ओके। तो हम लोगों ने जो टूल बार आइटम की जो वैल्यू है वो भी हम लोग गेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बार आप लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसे आइटम देखे होंगे जैसे कि शेयर करना है कॉन्टेंट को, बहुत सारे आप लोगों ने चीज़ें देखी होगी। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को इसी में ही करनी है, और फाइनली हम लोगों को कैसे करनी है वो सारा हम लोग इसमें वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इन्जॉय लगा होगा, आप लोगों को टूल बार आइटम्स कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट में भी जो है प्रोसीड करेंगे, आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोगों को पता है, आप लोग सीखते रहिए कि टूल बार आइटम ज़रूरी है, कहाँ पर आप लोगों को क्या प्लेस करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। और एक ऐप प्रोजेक्ट भी हम लोग करेंगे जिसमें आप लोग हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उसके ऊपर आप लोग चीज़ें बना सकें, ठीक है। धन्यवाद।